चुनाव का मौसम चल रहा है, नेताओं का दौरा चल रहा है, कई प्रत्याशी ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, कोयलियरी इलाके में पहुंच रहे हैं, लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने का वायदा कर रहे हैं और लोगों को अपनी ओर वोट देने के लिए, अपने लिए मतदान करने की अपील कर रहे हैं आम लोगों से। यहाँ पर कुछ महिलाएँ हैं जो कि कतरास के सलानपुर इलाके की हैं और यहाँ पर इनकी क्या समस्या है इन्हीं से जानते हैं। बताइए, आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या अगर यहाँ पर पूछे तो क्या है? हम लोग का मंदिर नहीं है, हम लोग बाज़ार में जाते हैं पूजा करने के लिए, मंदिर नहीं है और बेरोजगारी है, काम धाम नहीं मिलता है। भाई लोग ऐसा ही बैठल है, हर बार आते हैं बोलते काम देंगे देंगे देंगे, देते नहीं हैं। एक घर से हम लोग 10-10 वोट देते हैं। तो अगर इतना वोट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी अपेक्षाएँ बढ़ जाती हैं, तो इस परिस्थिति में और भी प्रत्याशी हैं जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं वो भी आ रहे हैं, उनसे भी आप लोग कुछ आशा कर रहे हैं? हाँ, हर बार तो बोलते हैं डुल्लू माथुर से, हर बार बोलते हैं कि मंदिर बनाइए, काम लगवाइए, काम लगवाइए। हम लोग लेडीज़ भी हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि काम कुछ करें। और अगर मान लीजिए मंदिर नहीं बना तो क्या किसी और को वोट दे दीजिएगा? नहीं नहीं तो क्या करेंगे, जो मन करेगा इस पर देंगे। अब मेरा समस्या कुछ हल नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? और बताइए क्या क्या समस्या है भैया इस क्षेत्र में? समस्या सर ये लोग तो बता ही रहे हैं, मंदिर के अलावा और क्या समस्या है? पहला टेम्पल यानी मंदिर का, दूसरा बेरोजगारी यहाँ पे, मतलब लड़का लोग सब बेरोजगार है, बैठा हुआ रहता, कुछ कोई कुछ करता नहीं है। नेता लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं कि जितने बात कर देंगे ऐसे कर देंगे वैसे कर, पर ढुलू मतो ही पिछली बार से विधायक रहे हैं तो वो जीतने के बाद कितना बार इधर आए हैं और कितना बार आप लोगों की समस्या को दूर करने का प्रयास किए? समस्या को दूर करते हैं, समस्या को दूर करते हैं। हाँ, और भी कई प्रत्याशी हैं जैसे जलेश्वर महतो हैं, रोहित यादव हैं, सूरज महतो हैं, ये लोग भी वोट मांगने आए क्या इधर? अभी तक तो आया नहीं, आए नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे भी वोट मांगने के लिए, क्या अपेक्षा है आप लोगों की? डुल्लू माथुर कुछ बनाइए नहीं बनाइए, डुल्लू माथुर को वोट देंगे हम लोग। राम मंदिर बना था इसके वजह से क्या? हाँ, राम मंदिर तो बहुत अच्छा बना है, हम लोग भी आशा है कि एक छोटा सा मंदिर बना दें। बिल्कुल, कुछ और महिलाएं हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। बताइए चाची, आप बताइए पेंशन मिलता है? पेंशन तो मिलता हो 1000 का, जो हाँ 1000 मिलता हो। और बताइए कुछ समस्या भी है? समस्या ना है बहू, कोई नहीं है तो थाने जाता होता लेके, कोई नहीं है सर। हाँ आप बताइए, ठीक है। हाँ पेंशन मिल रहा है, 1000 मिलता है। हाँ हाँ, तो घर में पीएम आवास वगैरह का लाभ मिला हुआ है, घर उर मिला हुआ है सरकार से? नहीं मिला है नहीं। आप बताइए चाची क्या क्या परेशानी है आपको? हम लोग तो बोले सर, परेशानी तो हम लोग हिसाब से बोलिए दी है। तो पीने का पानी का समस्या आप लोग कैसे दूर होगा? पानी हम लोग की दिक्कत है, पीने वाला पानी दिक्कत है हम लोग के, एगो बहुत है नहीं चल रहा है। तो कैसे आप लोग कहाँ से पानी लाते हैं? खाद के पानी चलता है, खाद का पानी? हाँ खाद के पानी मिलता है कि ऐसे मिलता? फिल्टर करके मिलता है, ऐसे मिलता है, ऐसे ही मिल जाता है। हाँ टंकी में हुआ से हुआ डायरेक्ट नहीं है, पीने वाला पानी चढ़ता ही नहीं है, पानी की समस्या बहुत है। तो खाद का पानी पीने से बीमारी भी हो सकती है? होती है बीमारी, सर्दी खांसी बुखार हमेशा होते हैं। तो जो भी जनप्रतिनिधि जो भी विधायक बनते हैं उनसे कभी गुहार लगाए आप लोग? लगाए हैं सर, बोले दिए हैं कनेक्शन, लेकिन पानी चढ़ता ही नहीं है, माने कि प्रेशर नहीं है? नहीं, मोटर भी दिए ओकर बाद भी नहीं मिलता, मिलता कभी कभी नहीं मिलता है। ऐसा क्या क्या पानी के अलावा और क्या क्या समस्या आप लोग? अरे बड़ी समस्या तो हल कर कहाँ कर पा रहा लोग, आन के शासन दे के चल रहा, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, पता नहीं देखा करें। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, सबसे बड़ी बात तो ये कोयलियरी इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर पीने की पानी की बड़ी समस्या है। खाद का पानी यानी कि जो पानियाँ कोयलियरियों से निकलता है, माइन से निकलता है, अंडरग्राउंड माइन से जो पानी निकलता है, उसी पानी को पीने के लिए लोग मजबूर हैं और उस पानी को फिल्टर भी नहीं किया जाता है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि पूर्व में रहे हैं वो जिम्मेवार जरूर हैं, और अगर इन्हें लोगों का वोट चाहिए तो इन समस्या का दूर करना पड़ेगा। और एक और बात कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोगों युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बहरहाल जो भी यहाँ से जनप्रतिनिधि बनेंगे उन्हें इसका ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा, और हम आम लोगों से ज़रूर अपील करेंगे कि जो लोग आपकी समस्याओं को निराकरण करने की क्षमता रखते हैं वैसे लोगों को ही आप चुनें और मतदान के दिन वोट जरूर डालें। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 को धन्यवाद। बेरमो विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे को कमल छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए।
20 नवंबर को ईवीएम में क्रमांक 3 में बटन दबाकर राज्य में बीजेपी की सरकार बनाएं।